हरदोई के कछौना कोतवाली क्षेत्र के लोनहरा गांव स्थित सत्य साई दाता आश्रम में शनिवार को एक विशालकाय अजगर निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह अजगर लगभग 15 फीट लंबा बताया जा रहा है। जैसे ही इसकी खबर आसपास के लोगों तक पहुंची, देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। अजगर के आकार और वजन ने ग्रामीणों को हैरान कर दिया, जिससे यह सांप स्थानीय निवासियों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। कई लोग अपने मोबाइल से अजगर की तस्वीरें और वीडियो बनाने में जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया है ताकि अजगर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। हालांकि अजगर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन उसकी उपस्थिति ने लोगों के बीच डर और उत्सुकता का माहौल पैदा कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अजगर को पकड़ने के बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के अजगर आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन इन्हें छेड़ने पर ये अपनी सुरक्षा के लिए आक्रामक हो सकते हैं। आपने इसको पकड़ा है? अच्छा अच्छा, इसका नाम क्या है? इंडियन रॉक पाइथन। अच्छा, इंडियन रॉक पाइथन। ओके ठीक है जी, नमस्कार भैया। सूचना प्राप्त हुई कि लोनहरा गांव के पास एक टीले के पास में जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है उसमें एक अजगर के फंसने की सूचना प्राप्त हुई। ग्रामीणों ने पकड़कर अपने कब्जे में रख रखा था। तुरंत सूचना मिलते ही वन विभाग कछौना की टीम मौके पर पहुंची और उक्त पाइथन सांप को अपने कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय लाए। उसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया गया। सांपों की या अन्य वाइल्ड जीव जो होते हैं, जंगली जीव होते हैं, उनकी घटनाएं बारिश के मौसम में आम बात है। सर्प दंश भी देखा जाता है इसी कारण, और इस समय भेड़ियों का जो माहौल बना हुआ है, आतंक छाया हुआ है बहराइच में या उसके आसपास इलाकों में, वो भी बहुत सामान्य घटना है, जिसके चलते कई बार शियार और भेड़ियों में फर्क ना कर पाने के कारण शियारों को हानि पहुंचाई जा रही है या उनके मारने पीटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जो शियार है, जैकाल है, गोल्डन जैकाल, वो शेड्यूल वन का जानवर है, जिसको मारने पर आपको सजा हो सकती है 7 साल की। जैसे ही कोई वाइल्ड लाइफ की सूचना प्राप्त होती है, तुरंत वन विभाग को सूचना दें, हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे।